मध्य प्रदेश के आगर मालवा में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सहमंत्री युवराज सिंह चौहान की हत्या की निष्पक्ष जांच हेतु कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल के नाम भू अभिलेख अधीक्षक सर्वने को ज्ञापन सौंपा। क्या है पूरा मामला? मामला ये है, 9 अक्टूबर के दिन दहाड़े मंदसौर जिले के विभाग संयोजक योगेंद्र सिंह जी चौहान की जो निर्मम हत्या हुई है उसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने ज्ञापन दिया गया है। मध्य प्रदेश की मुख्य दर्शक बनी सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार से हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की जो हत्या हो रही निर्मम हत्या उसके विरोध में शासन प्रशासन कड़ा कदम उठाए और जो भी हत्या के आरोपी है इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, यही निवेदन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल करता है। क्या नाम है सर आपका? प्रकाश धानका, बजरंग दल प्रखंड सह संयोजक आगर मालवा। बात करते हैं देवरिया जनपद की, जहां देवरिया रेलवे स्टेशन के पास क्षेत्र ग्राम महुआ बजराटारा गल्ला व्यवसायी सुभाष मदेसिया का शव मिला था। जिस संबंध में देवरिया पुलिस मुकदमा दर्ज कर अभियुक्तों की तलाश कर रही थी कि मुखबिर की सूचना पर ओवरब्रिज के पास तीन अभियुक्तों को पकड़कर उनके पास से हत्या में प्रयुक्त हथियार, मोटरसाइकिल व 1,10,000 रुपए बरामद कर लिए गए। पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि मृतक गेहूं खरीदने व बेचने का कार्य करता था। मृतक व अभियुक्त बैजनाथ दरभंगा से 9,70,000 रुपए लेकर आ रहे थे कि रेलवे स्टेशन के पास लूट लिए गए। पैसे लूटने के बाद मृतक द्वारा लुटेरों को पहचानने की बात कहने पर उसे गोली मार दी गई और उसकी हत्या कर दी गई। 5-6 दिन पहले एक व्यापारी की जो मुनिमी का काम करता था, रात में स्टेशन रोड पर भोर में उसके साथ घटना हो गई थी। प्रथम दृष्टया व्यापारी को गोली लगी थी, हत्या का मुकदमा कायम हुआ था। पुलिस ने उस घटना का असफल अनावरण किया है। स्वाट टीम और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त प्रयास करके इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे घटना का अनावरण किया है, जिसमें तीन अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। बेसिकली यह हत्या लूट के लिए की गई थी और इसमें 9,70,000 रुपये लेकर के व्यापारी का मुनीम दरभंगा से आ रहा था। 6,00,000 रुपये उसने अलग कमर में बांध रखे थे। 3,70,000 रुपया उसके बैग में होने की संभावना है। इसमें एक दूसरे व्यापारी ने इसकी सुरागरसी की, उसी ने बदमाशों को ला करके स्टेशन पे मृतक की पहचान कराई और वह जैसे ही स्टेशन के बाहर करीब 5 बजे के आसपास निकला, बैग छीनने का प्रयास किया, जिसमें बैग छीनने के बाद उसने कहा कि मैंने आप लोगों को पहचान लिया है। इस पर बदमाशों ने मुड़कर उसको गोली मार दी और उसकी हत्या हो गई। तीन अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, उनसे घटना में प्रयुक्त पिस्टल बरामद हुई है, उसके अलावा एक देसी तमंचा बरामद हुआ है, 1,10,000 रुपये कैश बरामद हुए हैं। अभी इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी शेष है, उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी कराकर शेष जो रुपये बचे हुए हैं उनकी बरामदगी सुनिश्चित कराई जाएगी। 6,00,000 रुपया उसी दिन बरामद हो गया था, शेष में से 1,10,000 आज बरामद हुआ है। तीन अभियुक्त आज जेल भेजे जा रहे हैं, इसमें विधिक कार्रवाई करा जा रही है और इनमें सुसंगत धाराओं का समावेश करा दिया गया है। जिस व्यक्ति की हत्या हुई है वह लगभग 65 वर्ष का वरिष्ठ नागरिक है और इसमें सुरागरसी करके बदमाशों को जो बुलाया गया वह व्यक्ति भी 68 साल का है, वह भी वरिष्ठ नागरिक है और दोनों पिछले 10 साल से उनकी दोस्ती थी, साथ साथ उनका आना जाना था। यहाँ से दरभंगा और आसपास के जिलों में उनका जो व्यवसाय था उस सिलसिले में जाते थे। दोनों ही मुनीम थे, दोनों की अच्छी दोस्ती थी, लेकिन उसी में से एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के साथ इतना बड़ा विश्वासघात करके उसकी हत्या करा दी। अमोल मिटकरी तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र के महागठबंधन उम्मीदवार रविकांत बोपचे ने सभा को संबोधित किया। सभा में महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं व पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। महुआ जिला के क्षेत्र ग्राम बुढ़ेरा में 3 दिवसीय रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज शरद पूर्णिमा की रात को नन्हे मुन्ने बच्चों ने रामलीला मंचन की स्टेज पर फिल्मी गानों पर नृत्य करके वहां बैठे हजारों श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।
जिसे श्रोताओं ने बच्चों को उनके इस हुनर पर इनाम देकर उनका उत्साहवर्धन किया। मऊ के वलिदपुर नगर में घरेलू सिलेंडर से हुए धमाके में एक घर पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया। हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 25 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद मोहम्मदाबाद गहना समुदाय अस्पताल में सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वही घटना की जानकारी मिलते ही डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों के अनुसार धमाका इतना जोरदार था कि मकान पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया, जबकि आस पड़ोस के मकानों में भी दरारें पड़ गई। इधर भी लगाया। जी मौलाना साहब, ये जो हादसा हुआ है क्या कहेंगे इस पे? इस हादसे से हम तमाम ही लोग बड़े दुखी हैं, सबको बहुत सदमा पहुंचा है। इस मुसीबत की घड़ी में हम इनके साथ पूरी तरीके से शरीक हैं और जो भी हमसे ताउन होगा करेंगे। हम इनके हालात दरियाफ्त करने के लिए इनके पास आए कि हादसा हुआ, कितने लोग घायल हुए, कितने लोग मौत के घाट पहुंच गए। लोगों ने तफसील बताई अपने भाइयों से मिलकर। कितने लोगों की मौत हुई है? अब ये लोग तो बता रहे हैं कि 13 आदमी की मौत हो चुकी है। और जख्मी कितने हैं? जख्मी तो तकरीबन 25 या उससे ज्यादा है। उसमें कुछ सीरियस भी हैं? बता तो रहे हैं यहाँ के लोग, हमने देखा नहीं, लेकिन बता रहे हैं कुछ सीरियस भी है, लेकिन उनके बचाने की पूरी कोशिश हो रही है। जहाँ तक मुमकिन होगा पूरे इलाके के लोग इनकी मदद के लिए लगे हैं और हर आदमी एक दूसरे का ताउन कर रहा है, जो बहुत अच्छी चीज है। इसलिए इंसानियत का तकाजा है कि जो जैसे हो सके उसकी मुमकिन। सर, ये कौन सी जगह है? यह वलीदपुर है। और हादसा ये हुआ कैसे आखिर? ये अब सुबह मामूल के मुताबिक बता रहे थे, जैसे नाश्ता बनता है बच्चों के स्कूल जाने के लिए, वो बना रही थी, उसी में गैस सिलेंडर का यह हादसा हुआ और जल्दी जल्दी लोग निकले, बगल से बचाने के लिए लोग आए, अब उसमें सब लोग हादसे के शिकार हो गए। जो जैसे आता गया इमारत गिरती गई, अब लोग शिकार हो गए हादसे के। बहरहाल बहुत बड़ा हादसा है, मालिक से हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक लोगों की हिफाजत फरमाए, जो हमारे भाई जख्मी हैं अल्लाह पाक उनको सेहत और शफा अता फरमाए, और जो दुनिया से जा चुके हैं उनको अल्लाह पाक और मालिक आराम पहुँचाए। हम जमीयत उलमा जिला मऊ से आए हुए हैं। जी, अपना नाम बताएं। साहब, मेरा नाम खुर्शीद अहमद मेहताई है, अध्यक्ष जमीयत उलमा जिला मऊ। हमारे बगल में मौलाना मोहम्मद फारूक साहब, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा जिला मऊ, और ये सब हमारे अरकान हैं जो इनके साथ दुख की घड़ी में बराबर के शरीक हैं। इनकी खैरियत मालूम करने के लिए हम लोग आए। ठीक। उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज में एसआईटी जांच के बाद बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। जनपद कासगंज में एसआईटी की रिपोर्ट के बाद 90 शिक्षक शिक्षिकाओं की नौकरी निरस्त करते हुए उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। मामला दरअसल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में बीएड घोटाले से जुड़ा हुआ है। इस मामले की जांच इलाहाबाद हाईकोर्ट एसआईटी को सौंपी हुई थी। एसआईटी 2004 से लेकर 2014 तक के सभी बीएड डिग्री धारकों की जांच कर रही थी। एसआईटी ने अपनी जांच में पाया है कि बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्री और मार्कशीट के अलावा मार्कशीट में नंबरों का भी हेरफेर किया गया है। एसआईटी ने जब असली चार्ट और फर्जी चार्ट का मिलान किया तब जाकर ये मामला पकड़ में आया। पाए गए हैं उनके जो कागज हैं, डॉक्यूमेंट, क्या प्रोसेस पहले से था, किस वजह से ऐसा हुआ है? एसआईटी द्वारा जो है 2004-05 के जो बीएड डिग्री धारक थे उनकी जांच की गई थी। उसमें जो लोग ऐसे चिन्हित हुए थे जिनकी अंक तालिकाएँ या तो फर्जी थी या फिर टेम्पर्ड थी, उनको चिन्हित करते हुए एक सीडी में उनके नामों की सूची हमें जो है वो मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक के माध्यम से उपलब्ध कराई गई थी। उन्हीं सभी लोगों को हमने सेवा समाप्ति के नोटिस जारी किए, उनसे जवाब मांगा। उस संबंध में कोई भी अभ्यर्थी अपने साक्ष्यों सहित हमें जवाब उपलब्ध नहीं करा पाया। ऐसी स्थिति में ये मानते हुए कि वो सभी अध्यापक जो हैं वो एसआईटी की जांच के अनुसार जो फर्जी और टेम्पर्ड पाए गए हैं उनकी सेवा समाप्ति के हमने पत्र जारी कर दिए। कितने शिक्षक होंगे? 90 शिक्षकों की अभी सेवा समाप्त की गई है। कुल कितने शिक्षकों की जांच चल रही थी? कुल 92 शिक्षक थे, जिसमें से एक शिक्षक को एसआईटी द्वारा ही सही मान लिया गया। उसमें कुछ लिपिकीय त्रुटि हो गई थी तो उस अध्यापक को सूची से बाहर कर दिया गया है। बाकी एक अध्यापक का अभी जवाब हमें प्राप्त नहीं हुआ है और उसकी अंतिम तिथि जवाब देने की कल है। जैसे ही उसका जवाब प्राप्त हो जाएगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई। इन सब की बर्खास्तगी के आदेश आपने दे दिए हैं?
सबके आदेश खंड शिक्षा अधिकारियों को मतलब रिसीव करा दिए गए हैं और उनको निर्देशित कर दिया गया है कि अध्यापक को भी रिसीव कराएं और साथ में उनके खिलाफ FIR भी। जो बर्खास्त हुए हैं शिक्षक उनसे रिकवरी भी होगी या? अभी फिलहाल FIR करने के आदेश जारी किए गए हैं, बाद में फिर अन्य प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। देश में दिवाली के दौरान बढ़ते प्रदूषण को एक प्रमुख समस्या के तौर पर देखा जा रहा है, जिसे सबक लेते हुए गाजियाबाद प्रशासन ने अभी से इसके लिए कमर कस ली है। गाजियाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट यशवर्धन श्रीवास्तव ने आज एक पटाखे गोडाउन पर छापेमार कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट यशवर्धन श्रीवास्तव ने पटाखे की भारी खेप बरामद की है, जिसकी मार्केट में कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने सभी पटाखों को जब्त कर दुकान मालिक को हिरासत में ले लिया है। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद क्षेत्र के दलपतपुर रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी ट्रेन फाटक के सामने रुकती है और रेलवे क्रॉसिंग फाटक बंद हो जाता है, जिसमें वहां से गुजर रहे ग्रामीण अपनी जान को जोखिम में डाल ट्रेन के नीचे से गुजर रहे हैं। जब हमने भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मोहम्मद रिजवान से बात की तो उन्होंने ये बताया कि दरअसल ये एक पहला ऐसा मामला नहीं है, ये मौत का सफर डेली चलता रहता है और मुरादाबाद का रेलवे प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिसमें इस फाटक पर कई बार बड़े बड़े हादसे भी हो चुके हैं।